वाली पार्टी बुंदेलखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है। बुंदेलखंड की जनता ने पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सभी विधानसभाएं सभी लोकसभाओं को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया। उनके वादे झूमले रहे, बातें झूठी हैं। आज भी बुंदेलखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। आज जब नीति आयोग कह रहा है, उसका आंकड़े आने तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या बुंदेलखंड में है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है। जिन्होंने सपने दिखाए थे, उन्होंने नौजवानों की नौकरी छीन ली, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। और वो समय बुंदेलखंड के लोग नहीं भूलेंगे, जिस समय लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने सहारे छोड़ दिया, जनता को जब सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी, जनता को अनाज छोड़ा, किस तरीके से भूखे प्यासे लोग यहाँ पर लौटे हैं। किसान की अभी भी आय दोगुनी नहीं हुई। पानी जहाँ मिल जाना चाहिए था, अभी भी अभाव है, अभी भी पलायन, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता में लगातार समाजवादी पार्टी जाएगी। पिछली बार तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड भाजपाइयों के पास था, इस बार बुंदेलखंड की जनता भाजपा का
और सफाई करेगी, साफ होगी। अखिलेश जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, सदन में लगातार हंगामा चल रहा है और एमपी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी है, आय दोगुनी हो जाए, दोगुनी हुई नहीं, किसानों के ऊपर महंगाई कर दी और आज भी किसी पैदावार की कीमत नहीं मिली। भाजपा कह रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, हर घर नल योजना दी है, और इस पर आपका क्या कहना है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वही जो समाजवादी लोग बनाना चाहते थे, झांसी सिद्धार्थनगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया। लेकिन